तो अब तो तानाशाही की सरकार है, कानून मानते हैं और नहीं भी मानते हैं, अपने सुविधा के हिसाब से जैसा चाहते हैं वैसा कर रहे हैं। पहले कभी ऐसा हुआ करता था, महंगाई के मुद्दे पर हुआ, लोग निकलते थे, आज हम लोगों को ढोके लाना पड़ता है। जनता के ऊपर इतनी ज़्यादा मार पड़ रही है, बेरोजगारी की है, महंगाई की है, जनता कहाँ निकल रही। प्याज के दाम बढ़ने से सरकार बदली है, अब तो कुछ असर ही नहीं पड़ रहा। उसका कारण सबसे बड़ा यह है कि हिंदू मुसलमान के बीच में उसको फंसा दिया गया है। 28 तारीख को सर ये राजतिलक हुआ है मोदी जी का या उस सेंगोल जो उन्हें रखे जिस तरह से, या फिर राजतिलक हुआ है और ये चोला डायनेस्टी का एक प्रतीक हुआ करता था और पुरोहित लोग ये राजा को देते थे, तो एक तरह से सत्ता हस्तांतरण हुआ है। ऐसा लगता है कि 28 मई को देश आज़ाद हुआ है और जो हस्तांतरण की प्रक्रिया है वो पूरी की गई है। मंत्रोच्चार से शुरुआत हुई है, पूजा किया गया है और संविधान को किनारा कर दिया गया। क्या हिंदूकरण हुआ है संसद का? अब इसमें कोई बात रह गई है? अब कई धर्म हैं यहाँ पर, लेकिन कोई किसी धर्म की पूजा अर्चना वहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा सभी धर्मों के लोग होते हैं, लेकिन इस देश का जो तानाशाह ने अपनी मर्जी चलाई है। सर लेकिन जो सारे पंडे आए थे ये साउथ से बुलाए गए थे, क्या उत्तर भारत में ब्राह्मण नहीं मिले मोदी जी को? अब उत्तर भारत और दक्षिण भारत में पांव पसार रहे होंगे, और ये जो साधु संत हैं ये भी पिछलग्गू बन गए हैं, इनके अपने सम्मान के बारे में सोचना चाहिए। जो उत्तर भारत के पंडे पुजारी हैं इनको अपने सम्मान के बारे में खुद सोचना चाहिए। जाट को के खिलाफ में गैर जातियों अन्य जातियों को खड़ा करना, ये जो पहलवानों वाला मुद्दा है इसको जो आरएसएस का प्रचार है जाट का मुद्दा बना दिया, और हरियाणा में दो बार से जीत रहे हैं इसी वजह से जीत रहे हैं कि जाट आते हैं हरियाणा में, दबंगई होती है, 36 जाति एक बार इकट्ठा हो जाओ। तो इस तरह की ताकतें इस देश में हैं, इस देश के अंदर धर्म और जाति के आधार पर आग लगाना कोई मुश्किल बात नहीं, आसान काम। और बड़े आसानी से लोग इकट्ठा भी हो जाते हैं, एक जाति का झगड़ा दूसरे जाति से आप लगा कर देख लीजिए, अपने आप लाखों हजारों मिल जाएंगे, उनको कोई विकास की ज़रूरत नहीं रहती, उनकी समस्याओं का समाधान हो इससे मतलब नहीं, अर्थात भावनाओं के आधार पर। तो जो हुकूमत है इस तरह की भावनाओं के आधार पर चल रही है, तो ऐसी परिस्थिति में जब तक वोट की चोट नहीं मारेंगे या वोट से इनको हटाएंगे नहीं, तब तक ये सिलसिला रुक नहीं पाएगा। आप ऐसे कार्यक्रम जरूर करें, लेकिन एक नज़रिया साफ रहना चाहिए कि आखिर में कौन है विकल्प। एक विशेष परिस्थिति है कि हम तो भाई गैर राजनीतिक हैं, सियासत से हमें कोई मतलब नहीं है, तो जो आपकी ताकत है वो बिखर जाती है। इसमें तमाम हजरात हैं यहाँ पे, क्या संदेश लेके जाएंगे? फिर एक बात और आती है कि अरे सभी तो वैसे ही हैं, सभी वैसे नहीं हैं। अभी तो नौकरियां छीनी हैं, लोगों को बोलने पर जेल बंद कर दिया जाता, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, और इस संसद जो सेकुलर स्थान था
वहाँ मंत्र और पूजा से शुरुआत हुई है। तो एक धर्म तंत्र ये सब आपके सामने हो रहा है। तो जब कभी विशेष परिस्थिति हो तो फैसला लेना चाहिए साफ। ये कहना कि ये भी चोर वो भी चोर, ऐसे काम चलेगा नहीं। ये राज्याभिषेक हुआ है उस दिन, कभी चोला के राज में राजा को दिया जाता था, पुरोहित लोग राजा को देते थे। हालांकि सत्ता का हस्तांतरण का प्रतीक नहीं है, एक प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है। तो ऐसा लगता है कि 28 मई को सत्ता का हस्तांतरण हुआ है, यानी एक राजा को सिंगोल थमाया गया। हम वहाँ पहुँच चुके हैं। अब इस पर भी अगर बातचीत हो, इनके समय में भी दंगा हुआ था और पसमांदा को क्या मिला, तो आप उन्हीं के गेम में फंस गए हैं। माना कि पसमांदा के साथ अन्याय हुआ या जितना उनको नहीं मिलना था नहीं मिला, अश्राप ने अर्जाल का हक मारा, लेकिन क्या ये दे देंगे? ये तो जीने भी नहीं देंगे। एक भी टिकट लोकसभा का नहीं दिया था वो जाकर के पसमांदा की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 403 असेंबली की सीटें हैं, उसमें एक भी मुसलमान को नहीं लड़ाया गया, वही आज पसमांदा की संगठन चला रहे। तो अभी तो हक की बात है, बाद में जीने की बात आ जाएगी, नागरिकता की बात आ जाएगी, बोलने की बात आ जाएगी। कुछ लोग आते हैं पसमांदा की बात करते हैं, अंसारी समाज के भी हैं, सैफी समाज के हैं, वो बात ठीक है, अपने मांग को आप रखिए सामने, लेकिन ऐसा ना हो कि आप अपने दुश्मन को ही ताकत कर रहे हो, किसी को छोड़ने वाले नहीं। तो अभी दंगा मुक्त की बात है, नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों में ईसाइयत हावी है और मणिपुर में नागा जोमी और कुकी, खास तौर से कुकी और नागा एक क्रिश्चनाइज्ड है, और मैती 1500 ईस्वी में कोई बंगाल से जाके उनका हिंदूकरण किया, वो आदिवासी थे। अभी भी बहुत लोग हैं जिनका कोई धर्म परिभाषित नहीं, धर्म तो इंसानों ने दिया है। और मैं तो एंथ्रोपोलॉजी का विद्यार्थी हूँ, अफ्रीका के तमाम आदिवासी ट्राइब्स जिसको कहते हैं उनका भी कोई धर्म नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि धर्म के साथ कोई पैदा होता है, जो वहाँ पहले पहुँचा उसके हो गए, इस्लाम पहुँचा तो मुसलमान हो गए, ईसाइयत पहुँची तो ईसाई हो गए। तो पहले लोगों का जो धर्म हुआ करता था प्रकृति हुआ करती थी, प्रकृति से ही खाना पीना होता था और उसी के साथ रहते थे लोग। तो वहां पर मैती के बीच इन्होंने मैती पुलिन और गेंगलोन एक दूसरा, हाँ गेंगलोन कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, आरएसएस बजरंग दलिक बजरंग दल का नाम बदल करके संगठन खड़ा किया, उनको कट्टर बनाया इम्फाल मणिपुर,
और 300 से ज़्यादा चर्च जला दिया। चर्च ही क्यों जले? तो आरएसएस ने अपना वहाँ कदम जमा लिया। तो ऊपर से लगता है कि धर्म के प्रचार के लिए जा रहे हैं, वो धर्म का प्रचार उनके लिए महत्व नहीं पड़ता रखता, उनके लिए सत्ता महत्व पड़ती, सत्ता चाहिए। और धर्म का भी इस्तेमाल करना हो तो सत्ता के लिए करते हैं। तो इस तरह से मणिपुर के हालात बने और वहाँ दंगा होना शुरू हुआ है। आज दंगा फिर हुआ है वहाँ पर। तो दंगा कराया जाता है। उत्तर प्रदेश एक समय ऐसा हुआ करता था, मैं बचपना में सुना करता था, वहाँ का रहने वाला हूँ। जब दलित समाज के लोग अशिक्षित थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो जो शहर में आरएसएस की शाखाएं होती थी वो लड़ाते थे। शाम को दारू पिला दिया और कह देते थे देखो हिंदू खतरे में है। तो इधर से ढेला पड़ा तो उधर से भी, और दंगा इसी तरीके से हो जाता था। और जब से जागृति हो गई है उस तरह का झगड़ा बंद हो गया, अब वो खत्म हो गया। पहले चाहे मुरादाबाद हो, इलाहाबाद हो, कानपुर है, लखनऊ है, मऊ है, मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, ये सब दंगा के, अलीगढ़ है, ये सब आए दिन वहाँ कर्फ्यू लगे रहते थे। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा से जब वो लैस हुए तो उनको लड़ाना अब संभव नहीं रह गया, तो कोई अब दूसरे लोग लड़ते हैं। और सरकार अब उनके हाथ में आ गई है, उस तंत्र का दुरुपयोग करते हैं। तो ये हालात है, तो इसका निजात केवल सत्ता से ही है, बाकी से नहीं है। दिन भर टेलीविजन वाले झगड़ा लगाते रहे, लव जिहाद, लव जिहाद, लव जिहाद। केरला स्टोरी में 32,000 महिलाओं का इस्लामीकरण हुआ, सीरिया भेजा गया आईएसआईएस की तरफ से लड़ने के लिए, और पता लगा कि मात्र 3 ऐसी महिला मिली हैं। अपवाद ऐसा होता है। तो इस तरह की बात। अब दिल्ली में एक श्रद्धा दो किसके बीच नहीं होता, लड़के लड़की चाहे हिंदू हो या गैर हिंदू हो, नादानी कर जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, और इमोशनल हो करके कुछ गलती कर जाते हैं। अगर उस तरह की गिनती किया जाए तो 1,000 में एक केस मिलेगा जहां इस तरह का भी है, लेकिन उसी को उछालते हैं रात दिन। ऐसे परिस्थिति में हमारे जो भाई लोग खड़े हुए हैं यूट्यूबर्स, इन्होंने मोर्चा संभाल रखा है। अगर ये न होते तो और भी दुर्गति होती। अगर सही समाचार सुनना हो, जानकारी करना हो, तो यूट्यूब को सुना करें, टेलीविज़न को देखना बंद कर दें, या मनोरंजन वाला हिस्सा देखें अलग बात है, लेकिन खबर अगर देखेंगे तो बुद्धि भ्रष्ट जरूर हो जाती है। तो यूट्यूब के साथियों का बड़ा सहयोग है, लेकिन इस पर भी पाबंदी है। मेरा खुद ट्विटर का एल्गोरिथम खराब कर दिया है, जहाँ 1 करोड़ हुआ करते थे रीच, वहाँ 10 लाख 15 लाख पर आ गया। वहाँ भी कंट्रोल है, यूट्यूब पर भी कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आज यही एक सहारा है कम्युनिकेशन का। मैं इनको तो दिल से बधाई देता हूँ और इनका मदद करना चाहिए। चलते फिरते 1,500 जिसके पास हो तो दे भी देना चाहिए। और कई लोग ऐसे हैं जो मोनेटाइज नहीं कर पाए हैं,
वो नहीं जानते हैं मोनेटाइज करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना चाहिए। आज के ही इस जलसा में जो लोग भी आए हैं वो भी सब्सक्राइब करें, शेयर कर लें, और ट्विटर को ज़रूर अकाउंट खोलें, फेसबुक पर लाइव करें समस्याओं के लेकर के, तब जाकर के आप लड़ सकते हैं। तो ऐसे लोगों को आज सम्मानित किया जा रहा है जो फिरका परस्ती के खिलाफ मैदान जंग में हैं। मैं उन सबको दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ।